सबसे बड़ा जरूरी है खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ठीक है, एक मॉरल स्टोरी को सुनाते हैं। एक बार की बात है, ब्राह्मण जो होते थे वो प्रत्येक दिन पूजा पाठ कराने के लिए दूसरे गांव जाते थे। ठीक है, और जाते थे तो यजमान जो होता था कुछ न कुछ दान उस ब्राह्मण को हमेशा कुछ न कुछ देते थे। तो प्रत्येक दिन आते जाते थे। ठीक है, तो कुछ गांव के लोग देखा कि पंडित जी प्रत्येक दिन आते हैं, ठीक है, खाली खोला लेकिन ले करके घर पे जाते हैं। तो उसने ठीक है मन बना लिया था, तीन चार लोग अलग अलग जगह पे खड़ा हो गया। ठीक है, खुदा ना खास्ते उस दिन शाम को जब लौट रहा था उस समय उसको उस ब्राह्मण जो थे उनको एक बकरी दान में मिला था। तो दान में मिला बकरी लेकर के आ रहा था, तो सोचा कि मैं लेट भी हो रहा है, जल्दी जाना है, तो क्यों नहीं बकरी चल नहीं रही है, तो उस बकरी को क्या किया कंधा पे रख लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उस चलते चलते जब गया तो एक व्यक्ति मिला। उसने बोला कि पंडित जी आप इस कुत्ता को काहे कंधा पे लेकर के जा रहे हैं। तो पंडित जी जवाब दिए कि है महाराज ये तो कुत्ता थोड़े ये बकरी है, उनको दान में मिला है यजमान के यहाँ से। बोला ना 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 ये कुत्ता है। तो पंडित जी बोले आप पागल हो गए क्या। ठीक है, उसको समझा करके आगे वो निकल गए। जब आगे निकले कुछ दूर गए तो फिर एक दूसरा व्यक्ति मिला, फिर वही चीज बोला कि पंडित जी आप कुत्ता को काहे कंधा पे लेकर के जा रहे हैं। तो उसको बड़ा ये लगा, गुस्सा लगा कि क्या हो गया आदमी इन लोगों। ठीक है, एक आदमी वहां बोला यहाँ फिर बोल रहा है कुत्ता लेकर के कहा जा रहे हैं। तो बकरी को मिला, फिर उसको रहा नहीं गया, उतार करके देखा तो बोला तो बकरी है सही से। ठीक है, तो इस तरह से उसको बड़ा डॉट हो गया कि व्यक्ति ऐसा कहे बोल रहा है। फिर आगे गया एक और तीसरा मिल गया। ठीक है, चूंकि उसने तो पहले बना लिया था प्रोग्राम है ना, तो आगे गया तो तीसरा व्यक्ति भी उसको बोलता है कि पंडित जी प्रणाम उसको। ठीक है, प्रणाम करने के बाद बोलता है कि पंडित जी आप कुत्ता को क्या कहे ले जा रहे हैं उसको। ठीक है, करना पे तो उसने बोला भाई क्या बोल रहे हैं। तो जब तीन आदमी जब बोल दिया तो उस बकरी को कुत्ता को दिया। ठीक है, तो पंडित जी को भी अब अपने आप पे संदेह हो गया। संदेह क्या हो गया, उसको लगा कि अरे भाई कहीं हमको देखने में पहचानने में तो भूल नहीं हो रहा है। उतार करके देखा तो उसने क्या किया, खैर जो भी हो ठीक है, उस बकरी को वहीं छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि उसको लाज शर्म था, होने लगा कि वो क्या कहेंगे हम एक ब्राह्मण हैं पंडित जी हैं। ठीक है, वो देख लिया कि कुत्ता कंधा पे लेकर के जा रहा है, इससे अच्छा उसको ना ले, उसको छोड़ दिया और घर चला गया। तो इससे क्या हो गया कि वो तीनों जो था ठीक है उस बकरी को पकड़ करके ना ले गया और ब्राह्मण जो है उस दिन बेवकूफ बन गया। इसका मतलब यह है कि यदि वो घर ले जाता किसी का बात नहीं सुनता तो वो सही था, लेकिन क्या हुआ कि वो बात सुन करके वो बेवकूफ बन गया। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को खुद पे भरोसा होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। आप यदि विश्वास के साथ काम करते हैं तो आप यकीन मानिए कि 100% सफलता मिलेगा। हाँ, कभी कभार होता है कि इसमें समय लग सकता है, लेकिन ठीक है देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से एक दिन ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा आपको सफलता मिलेगा। इसलिए